अफगानिस्तान विच हालात हो रहे बेहद खराब। काबुल एयरपोर्ट से भगदड़ मचण के दौरान 7 अफगानियों की मौत। तालिबानियों वालों की फायरिंग दौरान मची सी भगदड़। 350 तो वध नागरिक अफगानिस्तान तो लिया गए भारत। किसानों का जलंधर विच अंदोलन रहेगा जारी। किसानों की कैप्टन सरकार नाल नहीं बनी सहमति। गन्ने का घट्टो घट मुल 400 रुपए करन दी मांग कर रहे ने किसान। 3 दिनों तो किसानों का जलंधर दे विच चल रहा अंदोलन। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दियां चोणां शांतिपूर्ण मुकम्मल। 312 उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला डब्बियां विच कैद। 46 चोण हल्कियां दे विच होई वोटिंग। 25 अगस्त नूं ऐलाने जाणगे चोणां दे नतीजे। हुशियारपुर के पिंड झुग्गियां विच रखड़ी वाले दिन दिल दहलाउण वाली घटना। अमेरिका तो वापस परते व्यक्ति ने अपनी सस अते पत्नी दे मारियां गोलियां। गोलियां लगण कारण सस की मौके ते मौत, पत्नी जख्मी। मुलजम की भाल कर रही है पुलिस। बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह नहीं रहे। कल्याण सिंह ने लखनऊ विच लए आखिरी साह। कल्याण सिंह यूपी विच बीजेपी के पहले सीएम बने सन। कल्याण सिंह की मौत से पीएम मोदी ने जताया दुख। अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत है। तालिबान की हुकूमत के दौरान उतों के हालात लगातार खराब होंदे जा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कई नागरिक इकट्ठे हुए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई तो 7 नागरिक जो अफगान के रहने वाले थे उन्हां दी मौत हो गई है। तो नाल ही भारतीय नागरिकां दा अफगानिस्तान तो आना जारी है। अज भी कई नागरिक अफगानिस्तान तो भारत परते ने। अफगानिस्तान ते तालिबान दा कब्जा हो जाण बाद हालात खराब हो रहे ने। अफगानिस्तान के काबुल के तालिबान के दाखले तो बाद भगदड़ मची हुई है। हज़ारां लोग देश छड्डण दे लई काबुल हवाई अड्डे ते जमे हुए ने। इस दौरान ब्रिटिश फौज ने दावा किया कि हवाई अड्डे ते भगदड़ मच जाण दे कारण 7 अफगानी नागरिकां दी मौत हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जमीनी स्थिति इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, पर असी स्थिति को संभालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हफड़ा दफड़ी उस समय मची जो तालिबान लड़ाकियों के नाल घिरे हवाई अड्डे ते लोग तेजी नाल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। घटना उस समय वापरी जदों तालिबानी लड़ाके भीड़ को हटाने के लिए हवा के फायरिंग कर लगे। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे तो बाद इत्थे फसे भारतीय नागरिकों नूं कढ़न दा सिलसिला भी जारी है। एतवार नूं 3 जहाज़ां राहीं 390 लोग भारत परते ने। एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट के राहीं 168 लोगों की वापसी हुई। इन्हां दे विच 107 भारतीय 23 अफगानी सिख अते हिंदू शामिल ने। यह जहाज़ गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से पहुंचा सी। इस तो पहला 87 भारतीयों ते 2 नेपालियों नूं भारत लिया गया सी। एक होर फ्लाइट राही 135 लोगों की वापसी हुई है। भारत आने वालों के अफगानिस्तान के सिख MP नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल ने। अफगानी MP भारत पहुंचण ते भावुक हो गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितनी दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे। ऐसा आप रोइए मत। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर, सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। 200 से हिंदू भाई मसे हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि
अभी उधर भरोसा नहीं है कुछ कुछ नहीं है। किस्म किस्म तालिबान है, किस्म किस्म लोग हैं, किस किस से लड़ें, किस किस से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तालिबान चाहिए जो चाहिए, गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते हैं आपको दे, मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसमें कई कई किस्म किस्म लोग हैं। नरेंद्र खालसा ने भारत सरकार तो मांग की है कि बाकी फसे नागरिकों को भी जल्द तो जल्द वापस बुलाने के लिए कदम चुके जाए। हालात आपको पता है, जो उधर निजामी हालात है, हालात खराब थे, ठीक नहीं थे, बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, मगर जो मैं इधर पहुंचा मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई, क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बच्चे हैं उसको भी लौटाएँ इंडिया। फिर अफगानिस्तान तो परते नागरिकों ने अपनी हड बीती भी सुनाई है। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है, बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे, एयरपोर्ट बार बार बहुत बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी हाँ, तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे मत जाओ किधर जा रहे हो, फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। जलंधर के बीच किसानों का अंदोलन जारी रहेगा क्योंकि किसानों और कैप्टन सरकार के विचकार सहमति नहीं बन सकी है। किसान मांग कर रहे हैं गन्ने की फसल का मुल 400 रुपये दिता जाए पर सरकार यह मनण नूं राजी नहीं है। इस नूं लैके किसानों के वलों कैप्टन सरकार नूं चेतावनी भी दी गई है। गन्ने के मुल नूं लैके किसानों और कैप्टन सरकार के विचकार डेडलॉक बरकरार है। चंडीगढ़ में किसानों की सरकार नाल मीटिंग हुई पर यह मीटिंग बेसिटा रही। किसान मांग कर रहे हैं गन्ने का भा 400 रुपये किया जाए। जिहड़ा तां किसान दे गन्ने दे रेट दे उत्ते है, इहदे हजे तक कोई सहमति नहीं बनी। इहदे उत्ते असीं जिहड़ा लागत खर्चा दस रहे हैं वह लागत खर्चे नालों सरकार घट दे रही है, असीं इह बिल्कुल उहदे उत्ते एग्री नहीं। असीं चाहुंदे उहनूं लागत खर्चे दे उपर मुनाफा की दिंदी है सरकार वह देवे, और उहदे उत्ते कुछ डिफरेंस आए साडे सामने। जिहड़ा घेर घूर के असीं सरकार नूं इत्थे इत्थों तक लै आंदा इन्ना क मन गई है कि साडे नेड़े आउणी शुरू होई है, कि लागत खर्चा इन्ना क हैगा। यानी पहले तो बहुत थले फिरदी सी, हुण ओह आ गए ने कि 350 रुपये लागत खर्चा किसान का बनता है। सो कल नूं असीं जमा क्लीयर करांगे, ऐ तसल्ली करा देंगे, पैसा पैसे का हिसाब जोड़ के। अक्सर असीं भी तो मतलब 9 नवंबर पढ़ाए हैं, पढ़िया असीं भी किताबां पढ़ियां, कढ लांगे सारा कुछ, सारा पढ़ के तसली करा देंगे कल सरकार नूं कि इहदा किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है, वो तो वो होना है, और उस तो बाद वो फिर मतलब तय होना है भी किसानों रेट की मिलना है। और उन्होंने नाल बड़ी खुल के जिहड़ी पंजाब दे केन ग्रोवर्स बारे जां केन प्राइस बारे मीटिंग की गई है, वख-वख पहलुआं ते की, पेमेंट ते की, पेमेंट तो बाद पोर्टल जिहड़ा उन्होंने कहा कि जिहड़ी वो जुड़ाने एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है वो बारे गल हुई है, तो नाल ही जिहड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नाल ही किसान यूनियन की जिहड़ी उन्होंने प्राइस कंपेरिजन करना वो बारे कहा कि पहला किया नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि हर रोज़ इस चीज़ों पर पैन की बजाय एक बार एक मीटिंग होर कर ली जाए। कल 3:30 बजे साढ़े ऑफिसर और किसान यूनियन के जिहड़े नुमाइंदे ने वो बैठ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जिहड़े ऑफिसर ने उन्होंने नाल बैठ के पूरी कैलकुलेशन करके उसके बाद परसों फिर दोबारा मीटिंग की जाएगी। गन्ने का रेट बढ़ाने तो इलावा किसानों की मांग सी गन्ने की बकाया राशि भी दी जाए, इससे सरकार मन गई है, जल्द किसानों को बकाया राशि देने का दावा किया गया। बकाया राशि जी उन्होंने कह दिता कि 15 दिन के प्राइवेट भी जो कोऑपरेटिव मिलों ने यह भी 15 दिन के असी उन्होंने जी पूरी पेमेंट जी कर देंगे। एक उन्होंने डिमांड सी कि जी फगवाड़ा शुगर मिल वाल 43 करोड़ और किस तरह करना वो बारे भी एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि वो एक्शन करो और जी लोगों की पेमेंट आनू किमें मोड़ना और नाल दी नाल ही नैक्सट ईयर जी उन्होंने कहा कि इनू बंद नहीं होनी चाहिए, बारे भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने किमें चला प्राइवेट बंदे चला कि जिस तरह भी वही मिले से चलावे।
उधर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम मजीठिया ने गन्ना किसानों का पक्ष पूरिया। मजीठिया ने मांग की है सरकार तो MSP देने की। मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू को पुराना बयान भी याद करवाया जो उन्होंने मोगा रैली के दिता सी। मैं अज ठोंकोताली याद करा कि जिस दिन मोगे से किसानी संघर्ष को लैके राहुल गांधी दो दिन की फेरी से आए थे, इन्हों का भाषण कढ लियो। इन्होंने आपके स्टेज पर भाषण तो कहा कि पंजाब सरकार MSP दवे, जिमें दुध तो दिंदी है, जिमें हिमाचल सरकार एप्पल ग्रोअर्स नूं दिंदी है, पंजाब सरकार भी MSP दवे। अज मैं डिमांड करदा कि सरकार थोड़ी, तुसी कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह और थोड़े नाल बहुमत, तुसी अज ऐलान करो कि तुसी जो नुकसान 1000 करोड़ का पिछले 4 सालों च किसानों का सी कीता है, गलत रेट दे के घट रेट दे के वो भरपाई करांगे। नाल ही अज 380 रुपये असी ऐलान करदे, फिर तो मैं समझूंगा कि आपकी गलती नूं सुधारन वल नूं तुरे। मैं कहना कि जे किसान भी MSP तुसी दुध ते दे सकदे हो, जे दुध चक सकदे हो, ते जे हिमाचल दी सरकार सेब ते MSP दे सकदी है, ते फिर किसान नूं MSP क्यों नहीं दे सकदी? ठोको ताली टका। पंजाब सरकार जिम्मेवारी लवे, पंजाब सरकार हल दवे। सरकारां पिट दिखाउण नूं नहीं हुंदियां, ना सरकारां दिखावे लई हुंदियां, सरकारां हल वास्ते हुंदियां ने। सरकारां हल देण, MSP देण। किसान गन्ने के उचित भाव की मंग को लेकर जलंधर के धरने पर बैठे ने। किसानों बैठिया 3 दिन हो चुके हैं। किसानों ने नैशनल हाईवे जाम किया हुआ है। किसानों ने साफ किया जेकर सरकार ने मंग ना मनी तो धरना जारी रहेगा। अगर नहीं बनती तो कोई चिंता नहीं, असी किसानों लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान बैठे ने जिन्हों की खातर असं लड़ रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे है, सानू की दिक्कत है? हुण तो सरकार की मर्जी है, रेल कदों छुड़वानी है, रस्ता कदों छुड़वाना है, यह सरकार से डिपेंड करता है। और असं अंदोलन उन्नी देर तक जारी रखांगे जिन्नी देर तक किसानों को इंसाफ मिलनी है। किसानों का धरना दिल्ली दी सरहदां ते भी जारी है। 9 महीने तो किसान केंद्र खिलाफ डटे हुए ने। जेकर किसानों की पंजाब सरकार नाल ना बनी तो पंजाब दे विच भी दिल्ली वर्गा माहौल देखने को मिल सकता है। पंजाब मेल दे विच रुकदे हां कि छोटी जिही ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दियां चोणां शांतिपूर्ण मुकम्मल हो गई ने। 312 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला डब्बों के बंद हो गया। 25 अगस्त को दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां के नतीजे ऐलाने जाएंगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां शांतिपूर्ण मुकम्मल हो गई ने। 46 चोण हल्कियां दे विच 6 रजिस्टर्ड पार्टियां अते आजाद उम्मीदवार समेत कुल 312 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला डब्बों के बंद हो गया। 312 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 25 अगस्त को होगा। 3,42,065 सिख वोटर अपनिया वोटा राही दिल्ली कमेटी के लिए 46 नुमाइंदियों की चोण करेंगे। रखड़ी के त्यौहार का दिन होने के बावजूद चोणों लिए वोटर काफ़ी उत्साह देखने को मिले। मुख टक्कर की गल करिए इस बार मुकाबला श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के परमजीत सिंह सरना भरावां अते श्रोमणी अकाली दल बादल के मनजिंदर सिंह सिरसा के विचकार है। दोनों ने आपो अपनी जित का दावा भी किया। देखो मुद्दे तो खास तौर पर यही आ कि जो सिखा ने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर अज दस्तार की शान उची हुई है। दिल्ली के सिख इस करके वोट पाना चाह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर सीना चौड़ा करके अज सिर उच्चा करके जो अज सिख जो चल रहा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर। एजुकेशन और हैल्थ के उत्ते जो असी फोकस किया है और जो अंदर उपलब्धि हासिल की है वो वर्ल्ड ने देखी, पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड के चैनल्स ने उसको एप्रीशिएट किया है। सो ये रीजनस ने जिदे करके लोग साड़ा साथ दे रहे हैं। जो सानू उम्मीद से उस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है रिस्पॉन्स। मैं तकरीबन 2.5 घंटे से बूथ पर बैठा वहाँ, जे मैं अत कतरी ना करा तो 90-10 की रेशो है।
मार्च ते अप्रैल महीने दे विच कोरोना की दूजी लहर के प्रकोप के दौरान दिल्ली विच लॉकडाउन लाया होया सी अते इसे दौरान चोणां की तरीक मुकर्र की हुई सी पर महामारी करके चोणां मुलतवी की गई। इस दे इलावा गुरद्वारा एक्ट के सोधे हुए नियम तहत जारी नोटिफिकेशन से भी विवाद हो गया सी। सोसाइटी एक्ट तहत सिर्फ रजिस्टर्ड धार्मिक पार्टियां ही इजाजत मिली सी। अकाली दल के इलावा नोटिफिकेशन के विच छे पार्टियां के नावों का जिक्र सी पर दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच ने अकाली दल के हक के विच फैसला सुनाया सी हालांकि उदो चोणां नहीं होईयां। डीएसजीएमसी एक खुद मुख्तियार संस्था है। दिल्ली के विच गुरुद्वारों की साफ संभाल करती है डीएसजीएमसी। पहली बार 1974 के विच चोणां होईयां सन। डीएचजीएमसी के नुमाइंदियां का कार्यकाल 4 साल लई हुंदा है। एक्ट के मुताबिक वोटर की उम्र 25 साल तो घट ना होवे। साबत सूरत सिख नूं ही वोटिंग करन दा हक हुंदा है। डीएचजीएमसी के 51 मैंबर चुने जाते हैं। 46 मैंबर संगत चुनती है। 5 मैंबर नामजद होंगे। 2 को ऑपरेशन राही चुने जाते हैं। अकाल तख्त के इलावा 4 तख्तों के जथेदार भी मैंबर होंगे ने। इस बार वोटर सूची के 1,70,695 मर्द वोटर ने जबकि महिला वोटर की गिणती 1,71,370 है। वोटर सूची के फोटो वाले वोटर की गिणती 2,71,205 है जबकि इस बारी 90,000 के करीब फर्जी वोटा कटिया गया। इस तो इलावा 47,509 वोटर के नाँ भी सूची के जोड़े गए हैं। वोटिंग मुकम्मल हो गई है और हुण इंतजार चोण नतीजों का हो रहा है। केड़ी पार्टी इस बार बाजी मारती है ये तो हुण 25 अगस्त को ही साफ होगा। होशियारपुर के विच एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रखड़ी वाले दिन अमेरिका तो आए एक व्यक्ति ने अपनी सस अते पत्नी नूं गोलियां मार दित्तियां। गोलियां लगन दे कारण सस दी तां मौके ते ही मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर जख्मी है जिसका हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। पंजाब च होशियारपुर के हलका चब्बेवाल के पिंड झुग्गियां विच रखड़ी वाले दिन दिल दहलाने वाली घटना वापरी है। अमेरिका तो आए मनदीप सिंह ने अपनी सस बलवीर कौर अते पत्नी नूं गोलियां मार दित्तियां। हमलावर मनदीप सिंह की सस पिंड की साबका सरपंच है। गोली लगन के कारण बलवीर कौर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मनदीप की पत्नी गंभीर जख्मी है जिसका हस्पताल के विच इलाज किया जा रहा है। मनदीप सिंह का विआह 2018 के विच होया सी। मनदीप जलंधर के पिंड सिंहपुर का रहने वाला है। विआह तो बाद मनदीप अमेरिका चलिया गया सी। सर जिदा सवेरे 6:20 की गल आ मैं अपने रूम के फोन सुन दी सी। उत्थों मीह पैंदा सी माड़ा माड़ा। इधरों कोई बंदा गया बहुत तेज़ गया उत्थे स्लिपरी जी हुई सी तो उहदे करके वह डिग गया कि उहदे इस साइड ते खून लगा आया सीगा। तो फिर बाद दे विच दिल च होया भी शायद कोई कांड होया आ। फिर थोड़ी देर बाद जदों पता लगा तो इत्थे आए तो इन्हां दी तां डैथ हो चुकी सी। उहनां दी बेटी बहुत सीरीयस सी जाने कि उदा थोड़ी होश सी उहनां नूं तो वह कहें भाभी सानू बचा लो भी साड मेरा प्रौहणा मेरे गोलियां मार के दौड़ गया। तो फिर बाद दे विच उहनां दी बेटी नूं इदां आंढ गुआंढ सद्दे तो उहनां दी बेटी नूं लैके गए हुशियारपुर तो इन्हों की तो डैथ हो चुकी सी। मामला इन्हों का कोई जाति जिदा जी प्रौने की गलबात आ लड़की ब्याई उसी बाहर उन्हों की कोई गलबात इन्होंने आखिरी तकरार चलती होनी है। उसके मुताबिक सवेरे जानकारी मुताबिक 6:45 सानू जो जानकारी मिली पे इन्हों के घर गोलियां चलिया। कतल की वारदात को अंजाम देने तो बाद मुलजम फरार है। पुलिस वालों मुलजिम मनदीप की भाल की जा रही है। मामले जो पिंड के लोग दसते हैं भी रात 10-10:30 होया इस बंदा है मनदीप सिंह लड़की के घर वाला सवेरे फिर कोई लड़ाई झगड़ा होया अपने हिसाब से उन्हें कुड़ी की गोलियां मारियां 3 गोलियां उन्हें मारिया है तो सस जी बलबीर कौर है एक गोली उन्हें बजी है तो बलबीर कौर तो मौके डैथ हो गई है तो लड़की जी उन्होंने रैफर किया है उन्होंने जौल हॉस्पिटल अंदर लड़की के बयान तो यह लगता भी वो घर वाले गोलियां मारियां। मनदीप सिंह ने अपनी सस अते पत्नी नूं क्यों गोलियां मारियां इस बारे अज तक खुलासा नहीं हो सकिया। इत्थे रुकदे आ एक होर छोटी जिही ब्रेक दे लई। तुसीं बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।
उत्तर प्रदेश दे विच बीजेपी दे पहले मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह नहीं रहे ने। कल्याण सिंह दा 99 साल की उम्र दे विच देहांत हो गया। कल्याण सिंह दे देहांत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंघे दुख का प्रगटावा किया। बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह नहीं रहे। कल्याण सिंह का 99 साल की उम्र के देहांत हो गया। यूपी के सबका सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह 2 महीने तो हस्पताल के दाखिल से। कल्याण सिंह 7 दिनों तो वेंटीलेटर से। 21 जून कल्याण सिंह सह लैण के तकलीफ होने बाद लखनऊ के हस्पताल के दाखिल करवाया गया। इस तो बाद सेहत में सुधार ना होने 4 जुलाई में PGI शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बहुत सारे सियासी लीडर ने कल्याण सिंह के देहांत से शोक जताया। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दें, यही प्रार्थना करता हूँ। कल्याण सिंह यूपी दे विच बीजेपी दे पहले सीएम सी। कल्याण सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने पहली बार सीएम बनन दे बाद मंत्रिमंडल दे नाल सीधा अयोध्या विच जाके राम मंदिर बनाउण दी सहुं चुकी सी। उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह दे देहांत ते शोक जताया। नाल ही योगी ने उत्तर प्रदेश दे विच 3 दिन दे राष्ट्रीय शोक दा भी ऐलान किया। कल्याण सिंह दा अंतिम संस्कार सोमवार नूं सरकारी सन्मानां दे नाल कीता जाएगा। पंजाब मेल दे विच फिलहाल इन्ना ही। मैनू दो इजाजत। देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर लई देखदे रहो ABP सांझा।